हेलो पाइसिस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं गाइज। आई होप गाइज आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि लव और हेट स्टोरी, आपके पर्सन और आपके बीच में प्यार है या घृणा है या क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। पहले हम देखेंगे पाइसिस के कार्ड, उसके बाद में उनके पार्टनर के कार्ड देखेंगे, ठीक है। अभी हम आपके पर्सन के कार्ड निकालेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। देखिए ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत खुश हैं, अपने प्यार को पाकर के। हो सकता है कि आपको कोई जो है ऑफर दे रहा है, कोई प्रपोज करने वाला है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके लिए आप बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही जो है हैप्पी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी विशेष जो है वो पूरी हो रही हैं, या तो आपके एक्स पार्टनर आ रहे हैं या कोई नया प्यार भी आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम रीडिंग देखते हैं, फिर उसका जो है सारा कंक्लूजन निकलेगा कि क्या एनर्जी है। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के साइन दिखाई दे रहे हैं। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकती हैं आपके पर्सन, या टॉरस और कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकते हैं, पर्सन के साइन मायने नहीं रखते हैं, सभी 12 राशियों के लिए है। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, बहुत ही खुश हैं किसी चीज़ को लेकर के, यानी कि कहने का मतलब है कि आप एक्शन ले रहे थे, ठीक है, आप एक्शन लेना चाह रहे थे अपनी शादी वगैरह के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी शादी के लिए एक्शन लेना चाह रहे थे, आप किसी पर्सन से प्यार करते थे, लेकिन अचानक से उस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीटिंग की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जो है पेन में चले गए। आप उनके लिए सॉलिड एक्शन लेना चाह रहे थे, कमिटमेंट देना चाह रहे थे। हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम था, लेकिन इसने आपको जो है प्यार में छोड़ दिया, आपको अकेले, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने इस पर्सन को चुना, तो यहाँ पर मुझे देखिए प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप सोच रहे थे कि आपको प्रपोज कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही खुश रखेंगे, आपकी सारी विशेष पूरी हो गई हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में बहुत पेन आपको मिला है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसी वजह से आप पेन में चले गए, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि उनसे शादी करूं और उनको कमिटमेंट दूं, ठीक है, उनकी तरफ एक्शन लूं, और आप उनसे दिल से जुड़े हुए थे, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए आप प्यार फील कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में यूटर्न आया। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप को जिन्होंने सपने दिखाए, आपको प्रपोज किया, शादी के सपने दिखाए थे, उनकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपके सारे सपने चकनाचूर हो गए और आप बहुत ही उदास हैं, बहुत पेन में हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिसको आप अपना सब कुछ समझ बैठे थे, उसी पर्सन ने आपको धोखा दिया। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी चेक करो तो आपके पर्सन भी यही चाहते थे कि आपके साथ में एक नई शुरुआत की जाए, ठीक है। उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे प्यार को ठुकराया गया है, और ये पर्सन कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्लर्टी नेचर का हो सकता है, और ये पर्सन जो है अकेले रहना बहुत पसंद करता है, एंजॉय करना, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना, और नई नई लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये आपको सपने दिखाता रहा कि आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी हो सकता है कमिटेड है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके ऑलरेडी बच्चे भी हैं, और ये आपके साथ में जो है शादी करने के सपने आपको दिखाता रहा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसकी लाइफ में पहले से ही जो है इसके पत्नी और इसके बच्चे हैं, और फिर ये आपको ऐसा एहसास कराता रहा कि मैं सिंगल हूँ, और जब आपको पता चला कि इसकी लाइफ का खुलासा आपके सामने हुआ, तो आप पेन में चले गए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ये भी अपनी लाइफ की जो है बर्डन से दूर रहना चाहता है, एंजॉय करना पसंद करता है, फ्लर्टी टाइप का नेचर है इसका, और इसकी लाइफ में लोगों का आना जाना बना रहता है, ऐसा मुझे यहाँ पर ये पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो है ऐसा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी बात करूं तो मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि पाइसिस आप अपने दोस्तों में बहुत खुश थे, आप अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे, आप अपने दोस्तों को बता रहे थे कि मेरी लाइफ में अभी खुशी आएंगी, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट देगा, वो मेरी तरफ एक्शन ले रहा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लग रहा है कि मैं नई शुरुआत तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे प्यार को ठुकरा दिया इसने, इसी वजह से वो दुखी हैं, और वो अपने बच्चों की बहुत टेंशन में हैं, और वो इक्वल गिव एंड टेक भी
करना चाहते हैं, या आपने कभी पास्ट में उनको कोई गिफ्ट दिया हो या उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो वो भी याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी फिलहाल अकेला है और ये अपने पेंटिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश में है और इसका दिल टूटा हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मौजूद है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने बता दिया। अभी हम क्वीन ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन इज की, आप उनसे बातचीत करिए, बातचीत करके मसला सॉल्व करिए, तब ठीक होगा सब कुछ। ठीक है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क जो है आपको जरूर रिवार्ड दिलाएगा, आपको उसका आउटकम देखने को मिलेगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, आप अपने रास्ते में जो है ईगो को ना आने दे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, आप अपने पर्सन से बातचीत करिए, बातचीत करके एक नई शुरुआत करिए, ये कहा जा रहा है पाइसिस आपके लिए, क्योंकि आप भी अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते थे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।